ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिव पुराण में वर्णित है कि नौ ग्रहों में से शमी के पेड़ की लकड़ियों से हवन कराएं, चाहे नई दुकान हो या नया मकान हो। याद रखना, विवाह के यज्ञ में, नित्य के यज्ञ में और गृह प्रवेश के यज्ञ में कभी नारियल का गोला नहीं डाला जाता, उसमें पूर्ण आहुति नहीं होती है, ये बिना पूर्ण आहुति के यज्ञ होते हैं। हाँ, गिरी का बुरादा आप इन तीनों यज्ञों में डाल सकते हैं, जिससे घोर गरीबी समाप्त हो जाती है, पर संपूर्ण नारियल का गोला इन तीनों यज्ञों में नहीं डाला जाता। और शिव महापुराण में बहुत अद्भुत बात कही गई है जो आपसे उसका वर्णन कर रही हूँ। वो ये है कि दो दिए घर से लेकर जाइए, वो भी घी के, और माचिस भी अपने घर से लेकर जाएं, और उन्हें किसी थाली में रख कर ही लेकर जाना, और एक थाली से इन सब को ढककर महादेव के मंदिर में पहुँच जाना। फिर प्राण प्रतिष्ठित महादेव के मंदिर में पहुँच कर एक दिया महादेव की पिंडी के पास जला कर रख देना, और जो दूसरा दिया है आपके पास उसी दिए से उस दिए को जला लेना, उसको ऐसे ढक कर लाना जिससे कि वो रास्ते में कहीं भी बुझे नहीं। और फिर उस दिए को घर का जो मेन गेट होता है उसके दाहिने तरफ उस जलते हुए दीपक को रख देना। यदि घर में किसी को मानसिक रोग है या किसी को हमेशा मस्तिष्क दर्द रहता है या फिर ऐसी बड़ी से बड़ी तमाम तरीके की बीमारियां और घर में मिर्गी आदि जैसे भी रोग हैं या घोर गरीबी का एहसास हो रहा है, तो ये उपाय करने से घर के ताले भी नहीं टूटते, स्वयं भैरवनाथ उस घर की रक्षा में खड़े रहते हैं। और हाँ, इस उपाय को आप संध्या के समय यानी प्रदोष काल में करना है आपको। आप देखना, आपके घर में आनंद ही आनंद हो जाएगा, सुख की अनुभूति तत्काल महसूस होने लगी। हर हर महादेव।